अमेरिकी कृषि विभाग नेशनल एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स सर्विस के मुताबिक 12 जून 2022 तक अमेरिकी फसल वर्ष 2022-23 के लिए सोयाबीन की बुआई 88% पूरी हो चुकी है, जो कि 5 साल के औसत 88% के समान है, लेकिन पिछले साल की समान अवधि की 93% बुआई से कम है। 12 जून तक सोयाबीन की फसल की ग्रोथ 70% दर्ज की गई है, जो कि पिछले साल की समान अवधि के 85% और 5 साल के औसत 74% से कम है। निर्यात प्रतिबंध हटाने के इंडोनेशिया के हाल ही के फैसले के साथ ही केंद्र सरकार के ताजा फैसले से इस महीने शॉर्ट टर्म करेक्शन के मोड में चल रहे खाद्य तेलों की कीमतों में और कुछ नरमी आ सकती है। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।